Hello, class 10th student. In this exercise, we will discuss about solution of quadratic equation by factorization method. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे बाय प्राइम फैक्ट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0. इसके रूट्स निकालने हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे. यू नो कि यहाँ कोफिशियंट 2x, या आप पूरा जैसे भी आप निकालना चाहें, 3 × 2, 3 × 2 = 6. इसका कोफिशियंट 2 है और ये 3, 6, 6 का दो फैक्टर जिससे कि -5 आ जाए. तो ऑब्वियसली 3 और 2 हो सकता है, 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है ना. पर ये -5 है आपको, तो -3 × -2 कर देंगे, तो -3 − 2 जो होगा -5 हो जाएगा, और उसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 2x² - 3x - 2x + 3 = 0. हियर एक्स इज कॉमन, तो 2x - 3 बच गया. यहां 1 कॉमन है, तो 2x - 3 बच गया 0. देयर फोर 2x - 3 कॉमन इन बोथ साइड, x - 1 बच जाएगा 0. अब क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0. यहां x 3/2 आ गया और यहां x आपका 1 आ गया. तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, फाइनल आंसर. देयर फोर x = 3/2 और 1. ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी 2 होगा, इसके रूट्स भी 2 होंगे. जब आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो 3 होती है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 3 वैल्यूज आती हैं, ठीक है, मतलब कि 3 रूट्स आते हैं. दिस वन इज योर आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0. नाउ सी, इसका कोफिशियंट 6 है और ये यहाँ पे कांस्टेंट -2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -12 हुआ. इसके स्प्लिट करना, इसको दो फैक्टर ढूंढने हैं जिससे कि यहाँ देखो -1 है, -1 है. तो ऑब्वियसली 4 3 ही होगा, क्योंकि आपको माइनस लाना है, तो एक नेगेटिव रखना होगा, एक पॉजिटिव. इफ मिडिल टर्म इज नेगेटिव, देयरफॉर लार्जेस्ट फैक्टर इज नेगेटिव और स्मॉलर फैक्टर इज पॉजिटिव. अब बना लीजिए 6x² - 4x + 3x - 2 = 0. हेयर 2x इज कॉमन, तो 2x जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ 3 बचेगा, x बचेगा और एक 2 बचेगा. यहाँ पे 1 कॉमन निकालोगे तो 3x बचेगा, -2 बचेगा = 0. तो अब आपका हो गया 3x - 2 and 2x + 1, दो फैक्टर मिल गए. क्या होगा, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0. देयरफोर यहाँ x = 2/3 आ गया और यहाँ x = -1 इधर आ गया अपॉन 2. देयरफोर x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड -1/2, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म में रूट है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे. हमारा क्वेश्चन है 3x² - 2√6x + 2 = 0.
यहाँ 3 है इसका कोफिशियंट और यहाँ कांस्टेंट 2 है, 3 2 6, 6 के दो फैक्टर जिससे आपको 2 8 6 आ गए, तो ऑब्वियसली ये √6 और √6 ही होगा, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो ये -1√6 और -1√6 कर देंगे, तो इनका एडिशन हो जाएगा -2√6 और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 6। तो आइए स्प्लिट करते हैं इसको, 3x² -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में √3 कॉमन है और इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक √3x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा √2 ओनली। सिमिलरली हियर √2 इज कॉमन और बचेगा यहाँ √3x -√2 0। अब क्या करेंगे, √3x -√2 कॉमन निकालो दोनों तरफ है, फिर अगेन यही बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपका सेम ही नंबर बच रहा है, मतलब यहां पे √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और फिर ये भी वैल्यू सेम ही है, तो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हियर x इज इक्वल टू ये अपोजिट आएगा तो पॉजिटिव √2 हो जाएगा और ये दिस वन, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, मतलब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू √2/3 और दोनों बार √2/3 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिस वन इज योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x² -9x, इस 100 को अपोजिट लेके आ जाता हूँ मैं, -100 इज इक्वल टू 0। नाउ सी दिस इज 4, कोफिशियंट इसका 4 है और इसका -100 कांस्टेंट है, मतलब -400 का दो फैक्टर आपको निकालना है जिससे कि -9 आ जाए। तो अब चूंकि ये बड़ा नंबर आ गया तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 400 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से करते हैं 100, सॉरी 200, अगेन बाई 2 100, अगेन बाई 2 50, अगेन बाई 2 25, अगेन बाई 5 5 एंड बाई 5 1। तो देखते हैं, हमें 400 लाना है, 9 मिलना चाहिए, मिल गया। एक ग्रुप ये हो गया 16 का, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और दूसरा 25, 16 और 25 से हमें 9 मिल जाएगा। सिंस द मिडिल टर्म इज नेगेटिव देयर फोर लार्जेस्ट नंबर वुड बी नेगेटिव और स्मॉलर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 4x² -25x +16x -100 इज इक्वल टू 0। हियर x इज कॉमन, तो x 4x -25, यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4x -25 इज इक्वल टू 0। अगर आपका ये वाला पार्ट जो है दोनों में सेम आता है, मतलब कि आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट किया है, तो ये हो गया 4x -25 x +4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 4x -25 इज इक्वल टू 0, इसको अगर आप अपोजिट भेज दोगे तो, और दूसरा सॉल्यूशन x +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4x इज इक्वल टू 25 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25/4, एक आंसर हमारा ये हो गया। एंड हियर x इज इक्वल टू -4, एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। देयरफॉर यहाँ पे दो रूट्स मिले हमको x के, एक मिला आपको 25/4 और दूसरा मिला -4। दिस वन इज आंसर, पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48x² -13x -1 इज इक्वल टू 0। सी
यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 48 है, यहाँ कांस्टेंट -1 है, दोनों का प्रोडक्ट -48 होगा। ये चीज़ आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। -48 के दो फैक्टर्स जिससे कि -13 आ जाए, तो 16 3 14 होता है। सिंस मिडिल टर्म इज नेगेटिव, देयरफॉर लार्जर फैक्टर नेगेटिव होगा और स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया आपका 48x² - 16x + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। हियर 16x इज कॉमन, तो 3x - 1, और यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन है, तो 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब दो यहाँ देखो, यहाँ भी 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1 है, तो 3x - 1 इज कॉमन इन बोथ साइड। तो ये हो गया 16x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x - 1 इज इक्वल टू 0 और 16x + 1 इज इक्वल टू 0। हियर 3x इज इक्वल टू 1, देयर फॉर एक्स आपका 1/3 आ गया। हियर 16x इज इक्वल टू -1, तो एक्स आपका -1/16 आ गया। यहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल गए। आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 1/3 एंड -1/16, बोथ आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² + 2√2x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और कांस्टेंट -6 है, दोनों का प्रोडक्ट -6 हो गया। -6 का दो फैक्टर जिससे 2√2 आ जाए। तो ध्यान देना, जब हमें 2√2 लाना है, मतलब दोनों फैक्टर में √2 तो डेफिनेटली होगा। अब हमें 2 मिल चुका है, √2 × √2 2 होता है, 2 मिल चुका है। 3 को ब्रेक करना है, तो 1 को 3 कर दो और 1 को 1 कर दो। नेगेटिव लाना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव लाना है तो इन दोनों में से एक होना नेगेटिव ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल टर्म आपका पॉजिटिव है, इसलिए मैंने बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव ले लीजिए। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। 6 को इसका कोफिशियंट 1 है, इसका कोफिशियंट -6 है, सॉरी कांस्टेंट -6 है, दोनों का प्रोडक्ट -6 हो गया। इसको हमें ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, ताकि 2√2 आ जाए। तो ऑब्वियसली दोनों में √2 होगा, तभी आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इरेशनल नंबर को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो √2 मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब 2 हमारा ऑलरेडी हम ले चुके हैं, अब इसमें 3 ही बच रहा है, तो 3 को 3 वन जा कर दिया। दूसरा 3 का फैक्टर हो ही नहीं सकता है, 3 का एक ही फैक्टर हो सकता है 3 × 1, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 1 लगा दिया। अब हमें 6 का फैक्टर मिल चुका है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है, तो नेगेटिव किसके साथ रखेंगे किसके साथ नहीं रखेंगे वो यहाँ से डिसाइड होता है। इफ मिडिल टर्म इज पॉजिटिव, देन लार्जर फैक्टर वुड बी पॉजिटिव और स्मॉलर वुड बी नेगेटिव। क्लियर? तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, x² + 3√2x - 1√2x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हाईएस्ट कॉमन एक्स है, तो x + 3√2। यहाँ हाईएस्ट कॉमन क्या है? √2 है, तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचेगा 6 में से √2 आप कॉमन निकाल लेंगे तो 3√2 बचेगा। कैसे? वो यहाँ देखिए, 6/√2, तो 6 को आप लिख सकते हो ना 3 × 2/√2। इससे इसको कट कर देंगे, या आपको और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, upon √2 कैंसिल हो गया, 3√2 बचेगा, तो यहाँ 3√2 बचा। नाउ दोनों जगह x + 3√2 कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ पे √2 = 0। अब x + 3√2 = 0 और x - √2 = 0, तो यहाँ x आपका -3√2 आ जाएगा और यहाँ x√2 हो जाएगा, तो 2 रूट हमें मिल गए। x के लिए पहला -3√2 होगा एंड √2 होगा, 2 आंसर
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल गए। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3x² + 10x + 7√3। देखो इसका कोफिशियंट √3 है और यहाँ कांस्टेंट 7√3 है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 7√3 को, तो ये 21 होगा। और 21 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिससे कि 10 आ जाए। यहाँ चूंकि नेगेटिविटी है ही नहीं, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 और 3 होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। अब आइए देखते हैं, ये हो गया √3x² + 3x + 7x + 7√3 इज इक्वल टू 0। हियर √3 and 1x इज कॉमन, तो अब यहाँ बच जाएगा x + √3। हियर 7 इज कॉमन, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ √3 बच जाएगा 0। अब x + √3 दोनों तरफ कॉमन है, तो x + √3। अब ये हो गया √3x + 7 इज इक्वल टू 0। नाउ x + √3 इज इक्वल टू 0 और √3x + 7 इज इक्वल टू 0 और नहीं एंड। तो यहाँ x = −√3, हियर x = 7 पहले भेजो तो −7 और ये अपोजिट जाके √3। दो आंसर आपके आ गए। देयर फोर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, x = −√3 and −7/√3, बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, √7x² + 4x - √7। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से कि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये √3 है, ये आपका −√7 है। तो जब आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो √7 × −√7 डेट इज इक्वल टू −21। अब हमें इसके दो फैक्टर लाने हैं जिससे कि 4 आ जाए। तो यहाँ भी 7 3 सा ही होगा, पर चूंकि नेगेटिव है, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव रखना है, ये मिडिल टर्म से डिसाइड किया जाता है। इफ़ मिडिल टर्म इज पॉजिटिव देन द लार्जेस्ट फैक्टर इज पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट इज नेगेटिव। नाउ सी, ये हो गया आपका √7x² + 7x - 3x - √7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर में √7 है और एक x है, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा √7। हियर इन दोनों में 1 कॉमन है, हाईएस्ट −1, तो यहाँ बचेगा 3x और +√7। देखिए ये दोनों सेम आ गया, 3x + √7 कॉमन हो गया, तो इस पोर्शन में बचेगा आपका √7x और यहाँ बचेगा −1। नाउ 3x + √7 इज इक्वल टू 0 एंड √7x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू −√7, देयर फोर x इज इक्वल टू −√7/3। यहाँ √7x = 1, तो x = 1/√7। आप चाहें तो यहाँ रेशनलाइज कर सकते हैं इसको √7 से, या नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर जो हो गया कि x = −√7/3 and 1/√7, बोथ आर द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें दोनों तरफ रूट है, मिडिल टर्म में भी रूट है। तो पहले तो आप इसका कोफिशन √3 हो गया, तो √3 × −√3। अब देखो इसका प्रोडक्ट √3 × √3 3 हुआ, 3 2 = −6 आया बेसिकली।
अब आपको -6 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिससे कि -2√2 आ जाए। तो देखो, √2 लाने के लिए आपको दोनों तरफ 2 लिखना मैंडेटरी है, तभी आप लाइक इरेशनल नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो √2 तो दोनों तरफ आएगा ही आएगा। अब देखो, इनका प्रोडक्ट 2 हुआ, 6 में से आप 2 ऑलरेडी लिख चुके हो, अब बचा 3। तो 3 का एक ही फैक्टर होता है, 3 बन जा 3। अब रही बात कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव लेना होगा। तो ये कहाँ से डिसाइड होगा? मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव कर दो। अब बना लो क्वेश्चन। ये हो गया आपका √3x² - 3√2x + 1√2 लिखो, या √2 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। 1√2x - 2√3 = 0। इन दोनों में √3x हाईएस्ट कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √6। √2 तो बचेगा ही, यहाँ √3 बचेगा, √3 कॉमन लेंगे तो एक √3 बचेगा, एक √2 बचेगा, तो √6 हो गया। प्लस यहाँ इन दोनों में अगेन √2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x - √2, इसमें से कॉमन जाएगा, तो एक √2 बचेगा, एक √3 बचेगा, डेट इज √6। अब देखो, ये दोनों आपका सिमिलर है, मतलब कि बिल्कुल सही बन रहा है क्वेश्चन। प्लस √2 बच गया, x - √6 = 0, तो √3x + √2 = 0 एंड x - √6 = 0। तो यहाँ से √3x = -√2, देयर फॉर एक्स की वैल्यू आ गई -√2/√3। आप आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप बिना रेशनलाइज किए अगर छोड़ देते हैं तो उससे आपका नंबर नहीं कटेगा। नाउ योर आंसर इज x = -√2/√3 एंड √6। ये दोनों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए और सॉल्यूशन हो गए। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन था। 4.2 NCERT का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो आप वॉच कीजिए, इससे आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।